क्या आप भी किसी भी पब्लिक मोबाइल चार्जिंग स्टेशन पर यूएसबी पोर्ट से मोबाइल चार्ज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपके मोबाइल का डेटा चोरी हो सकता है। इस तरह यूएसबी चार्जिंग पोर्ट से होने वाले साइबर अटैक को ज्यूस जेकिंग कहा जा रहा है। तो ज्यूस जेकिंग से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी सावधान किया है। तो क्या है ये नए प्रकार का साइबर स्कैम और इससे कैसे बचा जा सकता है, जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। जनरली आजकल स्मार्टफोन की चार्जिंग के लिए यूएसबी केबल का ही उपयोग किया जाता है। और तो और जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एरोप्लेन, ट्रेन या फिर बसेस, इनमें भी जो चार्जिंग स्टेशन है उनमें भी पावर सॉकेट की जगह पर यूएसबी पोर्ट ही अधिकतर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो मोबाइल चार्जर के साथ में यूएसबी केबल रहता है यही डेटा ट्रांसफर के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। अब इसको ऐसे समझे कि जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन को किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें वो डेटा ट्रांसफर के बारे में पूछता है कि क्या आप आपके मोबाइल डिवाइस से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, और यदि आप ऑप्शन चूज करते हैं ट्रांसफर का तो वो आप मोबाइल में एसएस का दे देता है कि आप आराम से आसानी से मोबाइल का डेटा लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो हैकर्स हैं वो इसी डेटा ट्रांसफर प्रोसेस का फायदा उठाते हैं। जनरली हैकर्स यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स को मैनिपुलेट कर उसे किसी दूसरी कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं और डेटा ट्रांसफर को ऑटो प्रोसेस कर लेते हैं, जिसमें कि वो पूछता ही नहीं है कि आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं और ऑटोमेटिकली डेटा उनके पास चला जाता है। अब जैसे ही कोई भी इन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट में मोबाइल कनेक्ट करता है तो चार्जिंग के साथ साथ मोबाइल का डेटा भी हैकर्स के पास ट्रांसफर कर लिया जाता है, या फिर हैकर्स द्वारा यूएसबी पोर्ट के थ्रू मोबाइल में कोई भी मालवेयर या ट्रोजन वायरस इंस्टॉल कर दिया जाता है जो कि मोबाइल में सेव जो डेटा है या बैंकिंग डेटा है, पासवर्ड है, फाइल, फोटो और कॉन्टेक्ट की कॉपी बनाकर हैकर्स के पास पहुँचाते रहता है। डेटा चोरी का ये तरीका ही ज्यूस जेकिंग कहा जाता है। तो ये तो था एक नए तरीके का साइबर अटैक। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं तो देख लेते हैं। तो पहला ये कि मोबाइल को घर से ही पूरी तरीके से चार्ज कर निकले और पब्लिक प्लेस में जो यूएसबी चार्जिंग है उसका इस्तेमाल ना करें। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि मोबाइल चार्ज करना ही पड़े अगर आपको पब्लिक प्लेसेस में तो यूएसबी पोर्ट के बजाय पावर सॉकेट के थ्रू चार्ज करें, तो इससे डेटा चोरी का खतरा नहीं रहेगा। और तीसरा तरीका है कि अगर आपको पावर सॉकेट भी नहीं मिल रहा है और यूएसबी केबल से ही चार्ज करना है तो यूएसबी केबल में भी दो तीन तरीके की केबल होती है, तो उस यूएसबी केबल का उपयोग करें जिससे केवल मोबाइल चार्ज हो सकता है, डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसे केबल भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो ये थी ज्यूस जेकिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उससे बचने के तरीके। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बचत खाते में अधिक ब्याज कैसे पाएं इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।